नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ में सोनम। आज जब भारत बंद है, इसी को लेकर हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर दो जो गाड़ियां हैं कटरा जानी थी वो रोकी गई हैं। लेकिन वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा खबर दिखाए जाने पर खबर का असर देखिए कि विधायक प्रमोद विज वो खुद यहाँ पर लोगों की मदद के लिए आए। वहीं अब जो है पानीपत के जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ से सिख संगत, पानीपत के समाज सेवी, जन सेवा दल के सदस्य सभी जो हैं यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए मौके पर पहुँचे हैं। विधायक प्रमोद भी जो खुद जो है रेलवे के अंदर जितनी भी यानी कि ट्रेन के अंदर जितने भी डिब्बे होते हैं उनमें जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें जितना भी हो सकता है खाने का सामान वो दे रहे हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर पहुँचे, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो हैं सुबह से भूखे हैं भारत बंद की वजह से। बुरा इंतजाम है, जैसे पता लगा स्टेशन मास्टर को फ़ोन आ गया था गाड़ी बुक करी है तो उसके लिए खाने का इंतजाम करो, तो सब गुरुद्वारे से खाने आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पता तो हमने गाड़ी बुक की, आगे नहीं जाने दे रहे, इसलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि सुबह से जो है पानीपत में सेवा नहीं थी लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद अब जो है संगत यहाँ पर पहुँची है। समय भी हो रहा है, दो घंटे का रहेगा, इसी तरीके से जो 6 बजे तक सेवा चलती रहेगी आप लोगों की? लेकिन हाँ वो चलती रहेगी, रात तक भी चलती रही, वो चलती रही। इतना टाइम था हमारा, जैसे टाइम को पता लगा कि खाने का जूट जल्दी जो बना दाल चावल खिचड़ी सब बना के ले आए, चाय बन के आ गई है, अब खाना बन रहा है, चपातियाँ बन रही है, दाल बन रही है, वो भी अभी आ जाएंगे। सभी प्रकार की सेवाएं मतलब मदद आप लोग जो है जो भी चाहोगे खाने का जो भी सामान चाहिए हर चीज़ मिलेगी, चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। तो हमारे साथ मॉडल टाउन जो गुरुद्वारा है उसके प्रधान थे, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि पानीपत के रेलवे स्टेशन पर लोगों को उनकी मदद की ज़रूरत है तो वो तुरंत जो है खाने का सामान जो लेकर वो पानीपत के रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। तो आपसे अपील यही रहेगी कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत उन सभी समाज सेवियों का धन्यवाद करता है जिन्होंने खबर दिखाए जाने के बाद मौके पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने लोगों की जो मदद है वो पहुंचाई है। आप लाइव तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि सभी जो सिख संगत हैं, पानीपत के समाज सेवी हैं, चाहे वो जन सेवा दल के सदस्य हों या फिर पानीपत के अलग अलग जो समाज सेवी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और खाने का जितना भी सामान है वो यहाँ पर लेके आए। इससे पहले विधायक प्रमोद विज वो खुद अपने हाथों से लोगों में जो मदद का सामान है, खाने का सामान है वो पहुँचा रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि यहाँ पर लंगर की सेवा वो लगाई जा चुकी है। लाइनों में, कतारों में लोग जो है सुबह से भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो रखी गई हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे होंगे, तो आपसे अपील यही रहेगी कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें क्योंकि पानीपत के समाज सेवी हमेशा से ही आगे रहे हैं। तो लाइव तस्वीरों को आप जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर जरूर करें। विधायक प्रमोद भी जी है वो हमारे साथ है। सर आप जब से आए हैं और लगातार जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का दुख देख रहे होंगे, कितनी जो सुबह से परेशानियाँ हो रही हैं? बेटे ऐसे जैसी सूचना मिली कि दो ट्रेनें इंदौर से और एक बॉम्बे से ट्रेन आगे रुकी है, लगभग 1500 यात्री इसमें हैं और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएँ हैं, भाई हैं सब, तो हमने तुरंत सूचना इसकी भारतीय जनता पार्टी के सभी पाँचों मंडल जो शहर के हैं उनको सूचना दी और सभी साथी एकदम से यहाँ आ गए और बिरार के प्रधानों को सूचना दी, सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, गुरुद्वारों को और सभी लोग सब्जी मंडी के अंदर सूचना दी। तो आपने देखा सब लोग खाने का सामान लेके सब्जी मंडी से केले लेके आगे, वो लोग फ्रूट और लेके आगे, बिस्कुट लेके आगे, रस लेके आगे, मिठियाँ आ गई हैं, सब ने मिल के यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बनवाए, हज़ारों की संख्या पानी की व्यवस्था, हज़ारों की संख्या में गिलास कर दिए। मैं धन्यवाद करता हूँ पानीपत की सभी धार्मिक संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाओं का, गुरुद्वारों का। जब जब पानीपत में कोई ऐसी कठिन घड़ी आई है तो सब ने बड़ी लगन के साथ सेवा की है और आज भी आप वही नज़ारा आप देख रहे हैं, पानीपत के सभी संस्थाएं यहाँ पर हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सबका आपके माध्यम से कि इस सेवा से यहाँ कोई भूखा न रह जाए। अभी गुरुद्वारे से हज़ारों खाना यहाँ पहुँचा है, जो सारे कार्यकर्ता मिलकर खाना सब में बांट रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि कोई भूखा ना रह जाए और इतना फ्रूट दिया हमने कि रास्ते में भी लोग ले जाएं। मैं तो आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहूँगा,
किसान हमारे अन्नदाता, हम जब मानते हैं आप मानते हैं सारी दुनिया मानती है, लेकिन इस कठिन घड़ी में मेरी उनसे प्रार्थना की रास्ता जल्दी से खोलें, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और अभी हमने व्यवस्था किया, यहाँ डॉक्टर भी बुला रहे हैं कि किसी को डॉक्टर की ज़रूरत अगर होगी, किसी को मेडिसिन चाहिए होगी तो उसका प्रबंध भी करेंगे। छोटे बच्चों के लिए दूध, सामाजिक संस्था, सब सैकड़ों सैकड़ों लोग यहाँ लेके आ रहे हैं। मैं सबका आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, शाम 6 बजे तक ये जो भारत बंद है वो कहा जा रहा रहेगा, तो आपकी तब तक जो है इतनी सेवाएं सब तक पहुँचती रहेंगी? हम यहीं रहेंगे तब तक जब तक ट्रेन नहीं जाती है। पूरा खाने पीने का प्रबंध, और किसी वजह से अगर लेट हो जाएगी तो रात को खाने का प्रबंध भी करके देंगे, पानी का प्रबंध, दूध का प्रबंध सब जारी रहेगा यहाँ। तो अभी हमने आपको दिखाया कि विधायक प्रमोद वीर जी वो हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि ना सिर्फ लोगों को लंगर की सेवाएं या बाकी खाने पीने की चीज़ें, बल्कि मेडिकल सुविधाएं भी वो भी दी जाएंगी। अभी थोड़ी देर में ही वो भी यहां पर पहुंचे, अगर किसी को किसी दवाई की ज़रूरत है या कोई बीमार है तो उसका उपचार भी वो भी किया जाएगा। तो आपसे अपील यही रहेगी कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। विधायक प्रमोद वीर भी आप लोगों का साथ दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि हमें पता लगा कि स्टेशन पे काफ़ी यात्री हैं जो बिना रोटी के बिना पानी के हैं, जैसे पता लगा तो पानीपत के सभी गुरुद्वारा एक चित होकर सभी ने मैसेज किया कि जहां से जब से पहले जैसे भी सेवा पहुंचती है वो सबसे पहले स्टेशन पर पहुंचाई दे। आज भारत बंद के आंदोलन पहले ही पता था कि भारत बंद है, तो उसमें हमारे पास धीरज कपूर का कॉल आई कि 2 ट्रेनें यहाँ पर रुक गई हैं जिससे आगे जाने नहीं दिया जा रहा, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए। तो ये जनसेवा दल को जब भी किसी बात के इस बात का पता लगता है, कहीं भी कोई आपदा आती है या कोई जीटी रोड जाम होता है तो लोगों को दिक्कतें होती हैं, उनकी दिक्कतों को देखते हुए किसको क्या सामान की जरूरत है उसकी मुहैया कराई जाती है। वैसे पता लगा था, पहले हमने वो करनाल में देखी थी, वो वंदे भारत एक्सप्रेस रुकी थी, वहाँ पे निर्मल कुटिया वाले लंगर लेके पहुँचे, फिर हमने यहाँ पे आते ही सुबह आते ही हमने यहाँ लंगर की तैयारी करी और रोटी वगैरह सब आ रही है, अचार वगैरह है, अपना कढ़ी चावल है, जितनी भी संस्थाएँ हैं शहर की वो यहाँ आए अपना स्टेशन पे जो लंगर बांट रहे हैं उसी के अंदर सेवा करें। Add colors to your loving, life will be shining, you'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskrit School, a better place, a better world. By Sanskrit School, sapno se behtar kal. By Sanskrit School, add colors to your learning. By Sanskrit School, your life will be shining. करियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय, एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किस्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल, कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर, कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत।
9812245।